देखिए, पहले तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं, एंसेस्ट्रल गलतियाँ की है, वो जो लस्ट फॉर पावर जो उनके अंदर है उसकी वजह से पास्ट में गलतियाँ हुई है, इसीलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे एक और मौका दीजिए। चले, वो सब ठीक है, लेकिन सवाल इससे भी ज़्यादा बड़ा है। सवाल बड़ा ये है कि अगर एक इंसान कुछ टाइम पहले ये कहता है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं एलजी के बाहर दरवाजे पे दरबान नहीं बनूंगा, मैं चीफ सेक्रेटरी के दरवाजे पे दरबान नहीं बनूंगा, ऐसा क्या तब्दीली आई, ऐसा कौन सा टैसिट अग्रीमेंट हुआ, ऐसा कौन सा गायबाना अग्रीमेंट हुआ जो इनको मजबूर किया उनने इलेक्शन लड़ने पे, और अब इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं, दो दो सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, गांधरबल में भी लड़ रहे हैं और वहाँ पे बड़गाम में भी लड़ रहे हैं, ऐसे क्या वजूहत हुए, ये हमें सोचने पड़ेंगे। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बेसिकली व्हाट द नेशनल कॉन्फ्रेंसेज होल आइडिया एंड स्पेशली द सल्तनत जो इनकी है, उसका ये है कि ये लस्ट ऑफ पावर इनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये जो भूख हवस है पावर की, इसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है। अपने मॉरल्स, अपने वर्ड्स वो कभी भी ये छोड़ देंगे, और इन लोगों ने छोड़ दिए। अभी आपने देखा, छोड़ दिए इन लोगों ने अपने सारे मॉरल्स। अब बोलते हैं एक नहीं, दो दो सीटों पे हम लड़ेंगे। तो लस्ट फॉर पावर, मुझे जी ताचिवाना कशिर पर बई और खस तख्तस, वो ये करना चाहते हैं, और ठीक है, आप क्या करें अब। लेकिन हमें कश्मीरी के लिए काम करना है, हमें पता है कि कितना दर्द है कश्मीरी सोसाइटी में। मैं जा रहा हूँ डोर टू डोर, घर वर हर जगह जाता हूँ, देखता हूँ कितना ज़्यादा सोसाइटी में दर्द है। सिर्फ अब हमारी डिग्निटी और आइडेंटिटी पे ही प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो तो इन लोगों ने तार तार कर ही दी थी। उसके अलावा ग्रीवेंशियल इश्यूज़ कितने हैं, लोग कितने पस्त हो चुके हैं सोसाइटी में, और उनकी कितने ज़्यादा दर्द है, कोई सुनने के लिए नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से बीजेपी तानाशाह, यहाँ से ये 70 साल के तानाशाह हमको बीच में ये लोग पीसना चाहते हैं कश्मीरी को। देखिए, मैं ये मुकाबला देखता हूँ इस चीज़ के बीच में कि ये हक और बातिल के बीच में लड़ाई है, ये 70 साल के गुनाहों के बीच में, और हमारी प्रोग्रेसिव चेंज जो हमने 5 साल जो हमने हुकूमत की उसकी प्रोग्रेसिव चेंज के बीच में है। 70 साल का अगर आप ब्यौरा एक साइड से निकालेंगे, और 5 साल का अगर आप ब्यौरा निकालेंगे जो पीडीपी ने हुकूमत की, उसमें आप देखेंगे डेवलपमेंट के काम ज़्यादा हुए हैं। उसमें आप देखेंगे LOC ट्रेड खुल गया, मुजफ्फराबाद रोड खुल गया, उसमें आप देखेंगे पीस की बात हुई, सीज़ फायर की बात हुई, यूनिवर्सिटीज़ खुली, उसमें आप ये देखेंगे कि FIR वापस लिए गए, STF ख़त्म किया गया, इकवान राज ख़त्म किया गया। पीछे भी आपने देखे, महबूबा जी ने अपने कार्यकाल में जब वो चीफ मिनिस्टर थी 12,000 FIR वापस लिए, और उस BJP के उस रेपिस्ट मंत्री को इन्होंने जेल में भिजवाया, बोला कि मैं कैबिनेट में नहीं बैठूंगी जब तक आसिफा का जो रेपिस्ट है वो जाएगा नहीं जेल में, तो वो करके दिखाया। तो ये सब चीज़ें लोगों को रेजोनेट होती है, और 2019 के बाद मुसलसल जिस लीडर ने बात की है कश्मीरी की, कश्मीरी आइडेंटिटी की, हमारी सोसाइटी में दर्द कितना है, पकड़ दकड़ की हमारी मईशत को कैसे ख़राब कर दिया गया, अगर उसके बारे में किसी ने मुसलसल बात की है, वो इन्होंने ही की है, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने की है, बाकी तंजीमों ने भी, एक दो ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला होगा, मगर उनने डिप्लोमेसी तरीके से बोला, कभी ये नहीं बोला कि कभी एक हिसाब से फेयर से एक फ्रंट नहीं लिया उन्होंने। हमने कितने सारे प्रोटेस्ट किए फ़लस्तीन पे, 370 पे, जब हमारे घरों पे जो गास्चराई लैंड था यहाँ पे, बहुत सारी जगहों पे, जब उन्होंने देखा कि गास्चराई लैंड पे 40-40 साल से कोई लोग रह रहे हैं, उनको डराने के लिए, उनको पस्त करने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए जब बुलडोज़र लाए गए, हम लोग उसके सामने खड़े रहे, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमने उस बुलडोज़रों के सामने खड़े रहे, और तो मैंने किसी को नहीं देखा बुलडोज़र के सामने खड़े रहते हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती इज़ द ओनली वॉइस दैट हैज़ इमर्ज्ड टॉलेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सिंस 2019, एंड शी इज़ द ओनली वॉइस दैट कैन गिव शेप टू द डिग्निटी ऑफ कश्मीरीज। मैं इल्तिजा करता हूँ पूरे पूरे कश्मीर से कि 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर को जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें आप कलम दवात को वोट दीजिए, इंशाल्लाह कलम दवात को हर जगह वोट दीजिए, हम लोग एक
अच्छे कश्मीर की जो हमने सपना देखा है अच्छे कश्मीर का, बहुत बेहतरीन कश्मीर का, जिसमें हमारी इज्जत हो, जिसमें हमारी शनाख्त बका को कोई जख्म ना पहुँचे, उसका जो हमने सपना देखा है वो इंशाल्लाह हम पूरा करके दिखाएंगे।